अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ हैं मुरीद और रहमान, तो इनसे थोड़ा इंटरव्यू लेंगे और इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। रहमान का ऐसा लग रहा है जैसे इसकी जो है ना बच्ची भाग गई है, दिखाओ जरा रहमान भाई को। रहमान भाई सोग में बैठे हैं। रहमान भाई क्या हुआ यार, जैसे कि अभी आपको मुरीद भाई ने बताया, बच्ची तो कोई मिलेगी इसमें है, मिलेगी बस अभी स्टाइल मारने लग गया थे। तो भाई अभी इसको बची नहीं मिल रही है, अबे पागल बनाते हैं आवाम को। मुद्दे अभी मुद्दे पे हम आते हैं, तो इनसे हम कर अभी चढ़ गया ऊपर मेरे एक, क्या हुआ कॉकरोच चढ़ गया, कॉकरोच चढ़ गया, इधर ही है, कहाँ है, इधर ही था, ये रहा। वाह रहमान कितने जालिम हो यार, तुम कॉकरोच को मार दिए, कैसे बंदे, चूहे ने कॉकरोच को मार दिया, चूहे ने कॉकरोच को मार दिया, कॉकरोच को मार दिया। देखे जैसे कि आपने बोला कि चूहे ने कॉकरोच को मार दिया, कॉकरोच तो यही लग रहा है इसकी शक्ल, दे मुंह नहीं नहीं, फिलहाल अभी पॉइंट इन्होंने मारे तो आप लटको नहीं बीच में। तो अभी मुद्दे पे आते हैं, आज जाना तो है, पहले सवाल एक दो करते हैं, अभी इनसे मैं सवाल करूंगा एक दो, तो उसके बारे में पूछना है। तो मुरीद भाई आज का सवाल ये है कि इंडिया के झंडे पे तीन रंग क्यों होते हैं? नहीं नहीं, अच्छा, बात नहीं करनी, उल्टी बात नहीं करनी, इंडिया के झंडे पे तीन रंग क्यों होते हैं? पहला वर्ड जो गांधी जी, मोदी जी और बजरंग बली, तीनों रंग हो गए पूरे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सवाल है। रहमान तू बता भाई, इंडिया के झंडे में तीन रंग क्यों होते हैं? देखो आप मेरी बात सुनो, इंडिया के झंडे पे जो तीन रंग माने जाते हैं ना, मेरी टीचर ने बताया था, साइंस पढ़ाती है। कौन सी टीचर ने? बड़ी अच्छी नेक थी, बड़ी नेक थी टीचर, बड़ी अच्छी। अभी लंबी नहीं करो, अभी फिल्म नहीं बनाओ, सीधा बताओ तुम भाई। देखो वाइट जो रंग है वो जो इनका गांधी था, कोई भी था जिसने इनका मुल्क आजाद करा, मुल्क आजाद करा, देखो गांधी की लैंग्वेज इसमें भी आ गई, इसमें थोड़ा उनकी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी। अब यार इतना टाइम नहीं है जो तू अब करके बोले, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, सीधा लंबा बता, झंडे पे तीन कलर क्यों थे, वरना निकल में सवाल नहीं आता पब्लिक से। चल पब्लिक से भाई, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमें नहीं पता, पब्लिक से पूछ भाई, पब्लिक आपसे पूछ रहा हूँ इंडिया के झंडे पे तीन रंग क्यों होते, तो आप भी बताएं कमेंट में, वैसे मैं भी आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में, तो छोड़ो कल बताएंगे, अभी अच्छा अभी मुद्दे पे हमने जाना है, अभी मुद्दे पे आते हैं, कहाँ जाना है? अभी हमने जाना है ली मार्केट, काजल लाख कराने, मुझे कुछ और ही लगा। तो ली मार्केट में क्या करने जाते हो तुम बताओ, तुम क्या करने जाते हो ली मार्केट? मैं तो गया ही नहीं हूँ, मैं तो नया हूँ, मैं अभी आया हूँ कराची। पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा पब्लिक की बात कर रहे, बताओ भाई क्या करने जाते हो ली मार्केट में? और वो भी बिल्डिंगों में। ओहो काजल लाख की दुकान है। अच्छा काजल लाख, आप हर टाइम उल्टे ही चले जाते हो। नहीं यार मैं तो सीधा खड़ा हूँ भाई, ये देखो सीधा खड़ा हूँ मैं, कहाँ से उल्टा हूँ? जान छोड़ दो भाई हमारी, जाओ बख्श दिया आपको। तो यार अभी सीन ऐसे है, तो अभी ये लोग बोल रहे हैं काज ओवर लॉक कराने जाना है। कहाँ पे जाना है? ली मार्केट जाना है। तो चलो निपियर रोड, निपियर रोड, हाँ चलो फिर निपियर रोड चलेंगे काज ओवर लॉक कराने। आप भी जाओ वहाँ से, अच्छा काज ओवर लॉक होता है, पेमेंट भी पैसे भी कम लेते हैं वहाँ से, तो ये कि प्रॉफिट होगा आपको। एक दुपट्टे के 500 रूपए लगते हैं। तो वही होता है ना जैसे कि आपके? नहीं, मैं तो भाई आवाम के दिल में बसता हूँ, लेकिन रात को वो मेरे को सपने में ही नहीं जाते। दिल में बसता है ये, दिल में बसता है तू। अच्छा ज्यादा अटक नहीं हेल पे, ज्यादा कुछ अटक रहा है? नहीं भाई, तो ये तो होता है, तफरी चलती रहती है हमारी। अभी ये है कि रहमान तब गया बहुत गंदे तरीके से, रहमान की लिए पटक पटक के, क्या हुआ पटक पटक के लिए, रहमान पटक पटक के लिए। तो चलो भाई इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। कैसा लगा हमारा व्लॉग तो वो कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।